हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएचके एजुकेशन एंड गाइडेंस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 24th ऑफ जुलाई से बीएड के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और स्टूडेंट्स में काफ़ी क्यूरोसिटी बनी हुई है कि किस तरह के एमसीक्यूज आने वाले हैं एग्ज़ाम्स में। दोस्तों, आप जैसा कि सभी जानते हैं कि 80 क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम्स में और आपको उसमें से 40 अटेम्प्ट करने होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एजुकेशनल थॉट्स पे, यानी जो फर्स्ट पेपर है फिलोसफिकल एंड सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, तो मैंने उसमें से कुछ एजुकेशनल थॉट्स हैं जो उसके हमने कुछ आपके साथ यहाँ पे क्वेश्चंस में आज ये शेयर करूँगा। होप सो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट साबित हों। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चंस, देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो कहा गया है कि बुनियादी शिक्षा प्लान इज बेस्ड ऑन डैश प्लान। तो ये जो बुनियादी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके प्लान पर बेस्ड था, यानी हम अगर यहाँ पे साफ साफ बात करें तो यहाँ पे जो बुनियादी शिक्षा थी वो कॉन्सेप्ट किसने दिया था सीधे से। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है दोस्तों। तो यहाँ पर डॉक्टर राधा कृष्णन और बी महात्मा गांधी और सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और चौथा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, गेस करिए यहाँ पर कि बुनियादी शिक्षा प्लान किसके प्लान पर बेस्ड है, और अगर आपने ऑप्शन बी गेस किया तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, यानी महात्मा गांधी के ही प्लान पर बुनियादी शिक्षा प्लान बेस्ड था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अनदर नेम ऑफ वर्धा स्कीम इज। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो वर्धा स्कीम थी उसका दूसरा क्या नाम था, यानी वर्धा स्कीम और किस नाम से जानी जाती थी। तो वर्धा जो स्कीम थी ये भी एक एजुकेशन स्कीम थी, तो वो किस अनदर नेम से जानी जाती थी। चलिए चार ऑप्शन है देखते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बी ऑप्शन है बेसिक एजुकेशन, सी ऑप्शन है नेशनल स्कीम ऑन एजुकेशन और लास्ट ऑप्शन है न्यू एजुकेशन स्कीम। तो दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बेसिक एजुकेशन। यहाँ पे बेसिक एजुकेशन यानी बुनियादी तालीम नाम से भी जानते हैं। हो सकता है ऑप्शन में आपको ये भी मिले कि बुनियादी तालीम, हो सकता है उस वक्त बेसिक एजुकेशन ना लिखा हो, तो बुनियादी तालीम भी नाम से जाना जाता है वर्धा स्कीम को। तो दोस्तों, बढ़ते हैं। और ये जो स्कीम स्टार्ट की थी ये आप जानते ही हैं कि जो बेसिक एजुकेशन का प्लान दिया था वो किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरलिज्म इन मॉडर्न इंडियन एजुकेशन। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो नेचुरलिज्म का कॉन्सेप्ट था वो किसने इंक्लूड किया था, किसने स्टार्ट किया था मॉडर्न इंडियन एजुकेशन में, यानी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में किसने ये कॉन्सेप्ट नेचुरलिज्म का स्टार्ट किया था, इनिशिएट किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन है अरबिंदो घोष, सेकेंड ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, थर्ड ऑप्शन है महात्मा गांधी, लास्ट ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर जो ये नेचुरलिज्म का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था मॉडर्न इंडियन एजुकेशन में दोस्तों, ये किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता हो शायद पूछ लिया जाए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ योगा इन एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो एजुकेशन में जो योगा का कॉन्सेप्ट था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो ऑप्शन है यहाँ पे अरबिंदो घोष, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है स्वामी विवेकानंद और डी है गांधी जी। तो जो कॉन्सेप्ट है योगा का एजुकेशन में वो स्टार्ट किया था अरबिंदो घोष ने। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अरबिंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टीचिंग वाइल ट्रेवलिंग डिबेट कम डिस्कशन मेथड एंड एक्टिविटी मेथड वॉज रिकमेंडेड बाय। तो यहाँ पे कह रहा है कि देखो दोस्तों, यहाँ पे जो नाम दिए हुए हैं टीचिंग वाइल ट्रैवलिंग, ये एक टीचिंग मेथड है। डिबेट कम डिस्कशन मेथड, ये भी एक तरह का टीचिंग मेथड है, और एक्टिविटी मेथड भी एक तरह का टीचिंग मेथड है। तो ये जितने भी तीन मेथड यहाँ पर नाम दिए हुए हैं ये किसने रिकमेंड किए थे एजुकेशन सिस्टम में। तो ये जो ऑप्शन दिए इसमें महात्मा गांधी है, स्वामी दयानंद या स्वामी विवेकानंद या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही ये सारे मेथड्स एजुकेशन में रिकमेंड किए थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु कॉल्ड स्कूल्स ऑफ इंडिया एज फैक्ट्रीज ऑफ रोट लर्निंग। दोस्तों, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कि जो यानी जो भारत के विद्यालय थे, ठीक है, यानी भारत के विद्यालय जितने भी हैं उनको फैक्ट्रीज ऑफ रोट लर्निंग किस शख्स ने बोला था,
यानी जो इंडियन स्कूल्स हैं वहाँ पर क्या होता है, उनको फैक्ट्रीज बोला था, ऐसी फैक्ट्रीज जहाँ पर जो लर्निंग कराई जाती है वो रटा कर करी जाती है, ठीक है, यानी रट्टा लगवाया जाता है, ठीक है, ना कि कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट दिया था वो किसने दिया था, जो चार ऑप्शन है, जॉन डीवी, या बी है किलपैट्रिक, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर और डी है स्वामी विवेकानंद। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो रविन्द्रनाथ टैगोर होगा, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही इंडियन स्कूल्स को फैक्ट्रीज ऑफ रोट लर्निंग बोला था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी द एम ऑफ एजुकेशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो गांधी जी के हिसाब से जो एम ऑफ एजुकेशन था इस इन निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा नहीं था उनका एम ऑफ एजुकेशन? तो अगर हम देखें ऑप्शन, तो कैरेक्टर बिल्डिंग, जो कि महात्मा गांधी जी ने अपने एम ऑफ एजुकेशन में कैरेक्टर बिल्डिंग की बात कही थी, ऑलराउंड डेवलपमेंट की भी बात बोली थी, ठीक, अगर हम बोलें तो सेल्फ सपोर्टिंग की बात भी कही थी, अगर नहीं बात की थी तो कल्टीवेशन ऑफ लोअर वैल्यूज़ की बात नहीं की थी। यहाँ पर अगर लोअर की जगह हायर वैल्यूज़ होता तो यहाँ पर सभी ऑप्शन करेक्ट होते, ठीक है, या उस हिसाब से ऑप्शन ही बने होते जिस हिसाब से क्वेश्चन होता। तो यहाँ पर कल्टीवेशन ऑफ लोअर वैल्यूज़ गलत है, कल्टीवेशन ऑफ हायर वैल्यूज़ की बात की थी गांधी जी ने अपने एम ऑफ एजुकेशन में, ना कि लोअर वैल्यूज़ की। तो इसमें से जो एलिमिनेट होगा वो कल्टीवेशन ऑफ लोअर वैल्यूज़ एलिमिनेट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द अल्टीमेट पर्पस ऑफ गांधीयन एजुकेशन वॉज, तो यानी जो अल्टीमेट पर्पस था गांधी जी की एजुकेशन का वो क्या था? इसमें पहला ऑप्शन है क्रिएशन ऑफ क्लासलेस सोसाइटी, यानी वो जो पर्पस था गांधी जी की एजुकेशन का वो ये चाहते थे कि जो सोसाइटी हो वो ऐसी सोसाइटी का एक निर्माण हो जो क्लासलेस हो, यानी जिसमें जातिवाद ना हो, यानी वो उच्च जाति के हैं वो निम्न जाति के हैं, ठीक है, इस तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए था, सब यूनिटी के साथ रहें मिलकर, ठीक है, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए था। तो वो क्या पर्पस था उनका? अल्टीमेट पर्पस था? अल्टीमेट पर्पस तो नहीं था, पर पर्पस था, ठीक। अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एंड अवेकेंड सोसाइटी की, तो वो ये भी चाहते थे कि जो ह्यूमन और जो ह्यूमन सोसाइटी है वो अवेकेंड हो, ठीक है, जागरूक हो, ठीक है। सी है प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, और वो चाहते थे जो ह्यूमन बीइंग्स हो उनकी उन्नति होते रहे, ठीक है, यानी प्रमोट करते रहें, वो लोग लाइफ में आगे बढ़ते रहें, प्रमोशन ऑफ उनका होता रहे, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स भी पर्पस था। सेल्वेशन फॉर ऑल, मोक्ष, सभी के लिए मोक्ष, ये इनका अल्टीमेट पर्पस था। तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सेल्वेशन फॉर ऑल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कोर्स ऑफ बेसिक एजुकेशन कंटिन्यूड फॉर डैश ईयर्स, तो यहाँ पर जो बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक एजुकेशन की बात की थी, उस जो बेसिक एजुकेशन पाठ्यक्रम था उसका जो एक टाइम फिक्स किया गया था वो कितने साल के लिए किया गया था? तो ये 5 साल के लिए था, या 6 साल के लिए, 7 साल के लिए, या 8 साल के लिए? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो है 7 साल के लिए। अगर आपने बेसिक एजुकेशन के बारे में पढ़ा है गांधी जी के एजुकेशनल थॉट्स में, तो उसमें उन्होंने क्लियर किया है कि 7 साल ही जो बेसिक एजुकेशन था वो कंटिन्यू रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे, होप्स हो आपकी एग्जाम्स में ये मदद कर पाए क्वेश्चंस। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे इज्म पे, यानी रियलिज्म पे, नेचुरलिज्म पे, प्रैग्मेटिज्म पे और आइडियलिज्म पे। तो इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे मेरे हिसाब से लगेंगे वो हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि MHK एजुकेशन एंड गाइडेंस आप लोग के लिए ऐसा ही हेल्पफुल वीडियो बनाता रहेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।